लोग, मैं हूं प्रतीक पराडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम मैंने जब मैक्लारेन एज वेल एज लैम्बोर्गिनी का वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखी है, एज वेल एज पिन कमेंट में भी दे रखी है। सो आज मैं टोटल 5 कार्स कवर करने वाला हूँ एंड आज मैं आया हूँ HF कार्स में। सो HF कार्स में आप भी आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वेरायटी है जैसे कि लग्जरी कार, सुपर कार, स्पोर्ट्स कार, ईच एंड एवरी, वो भी आपको अच्छे से अच्छी कंडीशन में मिलने वाली है। सो आज देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं DC अवंती, आफ्टर दैट हम देखने वाले हैं हमर, उसके बाद में एस्टन मार्टिन। ये आपको आधी अभी दिख रही है, तो ये पूरी की पूरी अभी हम गाड़ी देखने वाले हैं। लास्ट में देखने वाले हैं महिंद्रा थार। सो थार देखने वाले हैं 2 वेरिएंट, 1 इज डीजल ऑटोमेटिक एंड 1 इज डीजल मैनुअल। सो दोनों आज हम कवर करने वाले हैं, थार भी इसमें बताने वाले हैं, एज वेल एज ये जो कुछ लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां हैं ये भी कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये कार देख रहे हैं ये है एस्टन मार्टिन की वेंटेज एंड ये एक स्पोर्ट्स कार है। ये है 2013 मॉडल जो कि है सेकेंड ओनर एंड रनिंग सिर्फ और सिर्फ 30,000 किलोमीटर्स। सो ये आती है 4.7 लीटर इंजन के साथ में, जो कि V8 इंजन आता है जो जनरेट करता है 420 HP एंड 346 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो सबसे पहले देखिए, अभी हम गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड देखने वाले हैं शॉर्ट में एंड उसके बाद में मैं आप लोगों को गाड़ी की प्राइस बताने वाला हूँ। सो गाड़ी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ ऊपर देखने वाले कि इसमें क्या क्या मिलता है। सो यहाँ पे आप जैसे हेडलैम्प्स देख सकते हैं, दोनों के दोनों आपको मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स फॉर लो बीम एज वेल एज फॉर हाई बीम। उसके बाद में DRL, आफ्टर दैट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, उसके बाद में एस्टन मार्टिन की जो ग्रिल है वो उसकी पहचान है। सो साइड से देखिए, साइड से भी गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है एज ये स्पोर्ट्स कार है। उसके बाद में इसके एलॉयज आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ी है एंड जो कंडीशन है गाड़ी की काफ़ी मिंट कंडीशन है, जैसे कि आप यहाँ पे पूरी की पूरी गाड़ी देख सकते हैं। ORVM, उसके बाद में डोर हैंडल, इरा गाड़ी का रियर व्यू, साइलेंसर, उसके बाद में यहाँ पे देखिए पीछे दो साइलेंसर मिलते हैं एज ए स्पोर्ट्स कार है। यहाँ पे आप वेंटेज की बैजिंग देख सकते हैं, गाड़ी के टेल लैम्प्स, ऑस्टिन मार्टिन का लोगो। सो ये रहा गाड़ी का फ्यूल लीड। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एस्टन मार्टिन की जो इंटीरियर्स है वो देखने वाले हैं, लेकिन इंटीरियर देखने पहले गाड़ी की देख लो। सो यहाँ पे देखिए आपको मिलता है लॉक की बटन, अनलॉक की बटन, लाइट एंड दिस इज फॉर द बूट ओपनिंग। सो अभी देखिए, जैसे मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ मिरर्स ओपन हो जाएंगे एंड आपको क्या करना है, आपको इस साइड में प्रेस करना है, ये कार ओपन हो जाएगी। सो हैंडब्रेक देखिए, जनरली हमारे बाकी गाड़ियों में हैंडब्रेक यहाँ पे आता है, सो इस गाड़ी का हैंडब्रेक आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा एंड उसी के साथ में जो सीट के कंट्रोल्स है, सीट के कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। सो इंटीरियर देख सकते हैं, इंटीरियर काफ़ी अच्छे इस गाड़ी के एंड जो ये मटेरियल देख रहे हैं आप कंप्लीटली, ये लेदर रैप्ड आता है। पावर विंडोज के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल्स। सो इंटीरियर देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप टॉप स्पीड देख सकते हैं 330 किलोमीटर पर आवर एंड रनिंग, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि सिर्फ और सिर्फ 20,000 चली हुई है गाड़ी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी का ग्लो बॉक्स, IRVM, लाइट्स एंड पीछे देखिए, पीछे इस तरह से कुछ आता है। सो ये देखिए ऑस्टिन मार्टिन का जो कंप्लीट मैनुअल है, इस तरह का मैनुअल आता है। आर्म रेस्ट, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द बूट ओपनिंग, वो भी हम देखने वाले हैं, ओपन कर दिया है, अभी पीछे जाके देखने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए चार्जिंग सॉकेट, आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कुछ सिंपल रखा गया है। ये स्टार्ट स्टॉप की बटन है कार की, स्पोर्ट्स मोड, रिवर्स एंड फॉर न्यूट्रल, डिफॉल्ट ड्राइव। उसके बाद में स्टेयरिंग अगर हम देखें, सो लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे आप पूरे के पूरे फोन के कंट्रोल्स एज वेल एज वॉल्यूम, ठीक है। सो चलिए अभी गाड़ी का हम बूट ओपन करके देखते हैं। सो ये देखिए रहा गाड़ी का बूट स्पेस, इसको कर देते हैं बंद।
सो अब आते हैं गाड़ी के प्राइस पे। तो ये गाड़ी है सिर्फ और सिर्फ 80 लाख में अवेलेबल, एंड वो भी निगोशिएबल प्राइस। आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्ट रखते हैं तो, एंड टेबल पे थोड़ा बहुत गाड़ी में निगोशिएट हो जाएगा। सो चलिए अभी हमारी नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं ये है डीसी की अवंती। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये हमारा एक इंडियन ब्रांड था डीसी। फिलहाल तो ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन अगर आप लोग इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आज आ सकते हैं एचएफ कार्स में। सो एचएफ कार में ये गाड़ी अवेलेबल है, एंड सबसे बड़ी बात इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ओनर गाड़ी है। सो इस गाड़ी के मैं डिटेल बताना चाहता हूँ। ये है 2017 मॉडल, फर्स्ट ओनर, रनिंग ओनली एंड ओनली 7000 किलोमीटर, जिसमें मिलता है आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि रियर साइड में आता है, एंड जनरेट करता है 310 bhp एंड 340 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो प्राइस भी देखने वाले हैं गाड़ी के, लेकिन उसके पहले आप गाड़ी की कंडीशन देख लो। सो ये रहा गाड़ी का हेडलैम्प्स, फ्रंट ग्रिल, यहाँ पे भी आपको एयर वेंट देखने मिल जाएंगे। सो ज़्यादा हम गाड़ी डिटेल में नहीं देखने वाले क्योंकि आज हम गाड़ी एक्सप्लोर करने आए हैं। सो ये रहा गाड़ी का साइड व्यू, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं गाड़ी के एलॉयस, ORVM, फ्यूल लीड, एंड पीछे मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया ये रहा गाड़ी का इंजन। सो ये पावर्ड किया जाता था रेनॉल्ट की तरफ से। सो रियर प्रोफाइल आती है गाड़ी की कुछ इस तरह। रहा गाड़ी का साइलेंसर। सो चलिए अभी इस गाड़ी को ओपन करते हैं। सो ये हो गई हमारी गाड़ी ओपन। इंटीरियर आते हैं गाड़ी के कुछ इस तरह। सो सबसे पहले गेट देखिए, ये थोड़ा सा मटेरियल हार्ड मटेरियल आता है, लेकिन देख के आपको लगेगा नहीं कि ये हार्ड मटेरियल है। पावर विंडोज के कंट्रोल, मिरर के कंट्रोल, उसके बाद में आप बैठते इस गाड़ी में। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारी जो स्पोर्ट्स कार रहती है जनरली ऑटोमेटिक आती है, लेकिन ये गाड़ी आपको मैनुअल में मिलने वाली है। सो इस तरह का कुछ इंटीरियर आता है, ग्लोव बॉक्स, स्पीकर्स, एसी वेंट्स, एंड ये जो आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली डैशबोर्ड। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हजार्ड लैम्प की बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये जो है ये पूरे के पूरे एसी रिलेटेड कंट्रोल्स, USB चार्जिंग सॉकेट्स, 12 वोल्ट DC चार्जिंग। ये रहा गाड़ी का हैंड ब्रेक, एंड पीछे देखिए, पीछे कुछ इस तरह का व्यू आता है जहां से आप आपके गाड़ी का इंजन देख सकते हैं। सो ये थे गाड़ी के कुछ इंटीरियर्स, एंड अभी आते हैं गाड़ी के मेन मुद्दे पे। सो आप लोगों को क्या लगता है इस गाड़ी की प्राइस क्या होनी चाहिए? सो गेस कीजिए, तब तक मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को ये गाड़ी अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 29 लाख रुपीज। सो वो भी निगोशिएबल प्राइस है, यहाँ पे आप आके थोड़ा सा मतलब प्राइस कम करवा सकते हैं अगर आप लोगों को ये गाड़ी पसंद आई हो तो। सो फ्रेंड्स, अभी हमारी नेक्स्ट कार है हमर, जो कि एक काफ़ी बड़ी SUV है एंड बहुत लोगों की फेवरेट SUV भी है। सो इस गाड़ी के बारे में मैं डिटेल्स बताना चाहता हूँ। सो ये है 2007 रजिस्टर्ड कार, उसके बाद में फर्स्ट ओनर, रनिंग सिर्फ और सिर्फ 34,000 किलोमीटर, एंड इसमें मिलता है आपको 5 लीटर का V8 इंजन। सो काफ़ी पावरफुल गाड़ी आती थी ये। सो चलिए अभी इसका वॉक अराउंड देखते हैं जल्दी से जल्दी। सो कुछ इस तरह का एक हैवी बोनेट आता है इस गाड़ी में, आफ्टर दैट हेडलैम्प्स। सो ये जो आप देख रहे हैं ये हुआ है सिर्फ स्मोक करने की वजह से। सो इसको आप कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं, बाकी इसके हेडलैम्प्स बहुत अच्छे हैं। सो ग्रिल देखिए, काफ़ी बड़ी ग्रिल आती है, फॉग लैम्प्स, एंड टायर्स देखिए, टायर ही सबसे बड़ी बात है इसकी। इसमें मिलते हैं 275, 50 एंड R20। सो काफ़ी बड़ी टायर साइज आती है इस गाड़ी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, जैसे मैं अभी डीसी अवंती के बाजू में खड़ा हूँ, सो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं इस गाड़ी का ये जो पार्ट है यहाँ लगभग इस गाड़ी का आधा आ जाता है। सो ये एक फोर व्हील ड्राइव SUV है, जैसे मैं आप लोगों को नीचे से भी बताना चाहता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, फोर व्हील ड्राइव है। सो पीछे भी आप डिफरेंशियल देख सकते हैं एज वेल एज सामने भी देख सकते हैं। सो ये रहा गाड़ी का कुछ साइड व्यू,
जहाँ पे आपको काफ़ी एक बड़ी बड़ी गाड़ी लगती है कम्प्लीटली। अगर हम गाड़ी का रियर देखें, सो ये देखिए, ये रहा गाड़ी का रियर व्यू, कुछ इस तरह का रियर व्यू आता है। अगर हम अंदर देखें, सो अंदर भी देखिए, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आप लोगों को देखने मिल जाएगा। टेल लैम्प जो कि स्मोक किए गए हैं। ये हो गई हमारी गाड़ी ओपन। सो इंटीरियर देखिए, कुछ इस तरह के इंटीरियर्स आते थे। ये लेदर से रैप किया गया है। पावर विंडोज के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल। सो हाइट देखिए, इस पे चढ़ने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। सो ये आ गए अभी हम गाड़ी के अंदर। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये लॉक सिस्टम है गाड़ी की। 4x4 के जो कंट्रोल्स आते हैं उसके कंट्रोल से, ठीक है। सो आपको कौन से व्हील्स लॉक करने हैं वो, उसके बाद में ट्रैक्शन कंट्रोल, मीडिया प्लेयर, AC के कंट्रोल्स, एंड ये गाड़ी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक आती है। सो ये देखिए, ये क्या है, ये है गाड़ी का हैंड ब्रेक, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि कम्प्लीटली एनालॉग आता था, लाइट के कंट्रोल्स, एंड पीछे भी देखिए, काफ़ी अच्छी गाड़ी है पर लाइट्स जो कि वर्किंग कंडीशन में है, सनरूफ, ये यहाँ पे आपको सनरूफ का कंट्रोल मिल जाएगा, वैनिटी मिरर विद लाइट। सो चलिए अभी गाड़ी का सेकेंड रो देखते हैं। सो ये रहा गाड़ी का सेकेंड रो, इसमें भी आप इजीली चढ़ नहीं सकते, आपको इसका ही सहारा लेना पड़ेगा। सो ये आ गया मैं सेकेंड रो। सो ये देखिए, सीट में भी काफ़ी अच्छा ट्रे मिल जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए, कप होल्डर या फिर बॉटल होल्डर बोल सकते हैं। सो इस तरह का कुछ गाड़ी का जो व्यू आता है वो आता है। एंड अभी हम जो है गाड़ी की प्राइस देखने वाले हैं। सो पहले तो आप लोग मुझे गेस करके बताइए कि इस गाड़ी की प्राइस क्या होनी चाहिए। सो कीजिए गेस, तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी अवेलेबल है 77 लाख रुपीज़ में। सो अगर आप लोग इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी 77 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है, एंड दैट टू निगोशिएबल प्राइस। आप इसको थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो हम ये थार देख रहे हैं, ये है 2021 मॉडल, सिंगल ओनर। उसके बाद में ये गाड़ी है डीजल। सो डीजल है, ऑटोमेटिक है, उसके बाद में रनिंग है सिर्फ और सिर्फ 17,000 किलोमीटर्स। सो सबसे पहले आप गाड़ी की कंडीशन देख लो, एंड यहाँ पे आप सामने भी देख सकते हैं जो इसकी ये है ग्रिल, तो ये भी चेंज की गई है, मतलब कि आपका वो भी खर्चा बचने वाला है। सो साइड व्यू बताना चाहता हूँ गाड़ी का। साइड व्यू देखिए, कुछ इस तरह का आता है। Yes. So, यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये ऑटोमेटिक है, उसके बाद में हम मैनुअल भी देखने वाले हैं। सो ये तो हो गया गाड़ी के कुछ एक्सटीरियर, अभी मैं आप लोगों को इंटीरियर भी बताना चाहता हूँ। ये देखिए 4x4। सो इसी गाड़ी को लगभग हमें वेट करना पड़ता है एक एक साल तक। सो ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर। सो इंटीरियर भी देखिए, इंटीरियर भी गाड़ी के काफी फ्रेश इंटीरियर्स है। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ग्लो बॉक्स, AC वेंट्स, यहाँ पे आप गाड़ी की कंडीशन देखिए, पूरी की पूरी बोल सकते हैं ब्रांड न्यू कंडीशन है। एंड मैं आप लोगों को गाड़ी के किलोमीटर्स भी बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक है, ठीक है, 4x4। जैसे अभी जो नई थार आ रही है वो आने वाली है 4x2 में, एंड लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये गाड़ी अभी आपको इजीली अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को किलोमीटर भी बताना चाहता हूँ। सो किलोमीटर देखिए, सिर्फ और सिर्फ 17,000 किलोमीटर्स,
एंड ये जो गाड़ी अवेलेबल है आपको बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है, मतलब कि बोल सकते हैं। एंड उसमें भी जो प्राइस मैं बताने वाला हूँ वो निगोशिएबल प्राइस है। सो इस गाड़ी की जो प्राइस रखी गई है ये है 18 लाख रुपीज। आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये डीजल गाड़ी है, पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एंड उसमें भी आपको ये ऑटोमेटिक मिलने वाली है। सो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप लोगों को और भी इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर गाड़ी थोड़ा सा निगोशिएट करना चाहते हैं तो आप HF कार से कॉन्टैक्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये देख रहे हैं ये थार है, मैनुअल थार। सो मैंने जैसे पहले आप लोगों को बोला था कि ये जो हमने देखी ये पहली थी ऑटोमेटिक, एंड ये जो आप थार देख रहे हैं ये है हमारी कम्प्लीटली मैनुअल थार। सो कंडीशन आप गाड़ी की देख लो, पूरी की पूरी अच्छी कंडीशन है। एंड जो सबसे फेवरेट लोगों का कलर रहता है ब्लैक, उसी कलर में ये थार अवेलेबल है। सो राइट साइड से भी देख लो, गाड़ी काफी अच्छे से मेंटेन की गई है। सो इस गाड़ी की मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ। ये भी 2021 का ही मॉडल है एंड सिंगल ओनर गाड़ी है। सो चलिए अभी इसकी रीडिंग देखते हैं, इसकी मैं प्राइस भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। हालांकि ये जो मॉडल अभी आप देख रहे हैं ये टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे वाला है, लेकिन इसमें फीचर्स की कोई भी कमी नहीं है। सो इंटीरियर देख लो, सीट्स कवर भी डलवाए हुए गाड़ी में, पीछे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अच्छा खासा मॉडिफिकेशन किया गया है। आर्म रेस्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एंड जो डिस्प्ले है थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि ये मॉडल टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे वाला मॉडल है। सो ये देखिए मैनुअल थार। सो इसकी रीडिंग देख लो आप, ये थार की रीडिंग है सिर्फ और सिर्फ 20,000 किलोमीटर। सो ये गाड़ी अवेलेबल है 17.50 लाख में, मतलब कि 17.5 लाख रुपए में। अगर आप लोग इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्राइस ये निगोशिएबल भी होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखी टोटल 5 कार्स, एंड 5 कार्स में से आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और बहुत सारे लोगों का जो एक ये था कि थार का वीडियो अपलोड कीजिए, तो आज मैंने आपके लिए 2 थार बताई है स्पेशल, वो भी ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल। सो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। और भी अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इन गाड़ियों की, सो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं HF कार्स को। मैंने लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने आज प्राइजेस आप लोगों को बताई है ये स्लाइटली निगोशिएबल है ऑन द टेबल। सो आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर आप इन गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो। Till then, goodbye, meet you in the next video.